नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वेलकम टू जयपुर वॉइस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जयपुर के सिरसी रोड स्थित केसर बाग के अंदर करणी सेना संस्थापक लोकेन्द्र सिंह कालवी की श्रद्धांजलि सभा रखी गई, जिसमें करणी सेना अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना, कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास समेत सैकड़ों की संख्या में राजपूत समाज के दिग्गज व्यक्ति, समाजसेवी और युवा पहुँचे। लोकेन्द्र सिंह कालवी को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करी। आप देख सकते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, महिपाल सिंह मकराना और कई अन्य संगठनों के लोग भी वहां पर पहुंचे। कुछ अन्य समाज के लोग भी वहां पर थे। लोकेन्द्र सिंह कालवी को जयपुर के केसर बाग गार्डन में ये श्रद्धांजलि दी गई और एक भजन संध्या भी रखी गई थी। लगभग एक घंटे तक वहाँ पर भजन कीर्तन भी किए गए। तो एक श्रद्धांजलि सभा जो कहीं ना कहीं एक बड़े दिग्गज नेता, जो राजपूत समाज को एक अलग उन्होंने पहचान, एक अलग उनके मुद्दों को लेकर जिस तरीके से उन्होंने हमेशा राजस्थान में अपना जो वजूद कायम रखा और कहीं ना कहीं राजस्थान के बाहर भी करणी सेना को लेकर वो एक्टिव रहे, और जिस तरीके से लोकेन्द्र सिंह कालवी एक बड़े दिग्गज नेता का जो निधन हुआ वो पूरे समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति रही। इस श्रद्धांजलि सभा में आप देख सकते हैं भजन संध्या के और आयोजन पर इस तरीके से बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करी। कहीं ना कहीं लोगों के जहन में जिंदा रहेंगे लोकेन्द्र सिंह कालवी और जो उनके काम हैं, जो उनके द्वारा राजपूत समाज के लिए जो मुद्दे उठाए गए और करणी सेना की जो स्थापना उन्होंने करी, कहीं ना कहीं जिस तरीके से समाज के लिए अपना जीवन उन्होंने खपाया, उसके लिए लोकेन्द्र सिंह कालवी हमेशा याद किए जाएंगे। इस मौके पर महिपाल सिंह मकराना ने अपने विचार भी रखे और लोकेन्द्र सिंह कालवी को लेकर उन्होंने बहुत सारी कई अपने भाषण में बातें कही, और साथ ही जो एक पाक दस्तूर कार्यक्रम होने वाला है उसको लेकर भी उन्होंने एक अनाउंसमेंट करी थी। बाकी के न्यूज़ अपडेट के लिए जयपुर वॉइस के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।